नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल रियल स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, बात करने वाला हूँ मैं आज LIC प्लस राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट पैनी स्टॉक। यार दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 100 रुपये के आसपास अभी आपको ट्रेड करते हुए दिख जाएगा। और साथ में बोल देना चाहता हूँ, ये लेटेस्ट अपडेट है राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो का, जहाँ पर राकेश जी ने Q2 में, मतलब Q2 क्वार्टर में, ऑलमोस्ट 1.36% के आसपास स्टेक इंक्रीज किया है, या बोल सकते हो नया शेयर बाय किया है, जिसका नाम है, आप देख सकते हो, नालको। अभी आपको दिखलाता हूँ। तो मैं यही बात करूंगा दोस्तों, ये जो स्टॉक है, रिसर्च करने के बाद पर्सनली मैंने इसके ऊपर आई थिंक 95 रुपीज के आसपास वीडियो बनाया था फर्स्ट टाइम, और मैंने आपको बहुत क्लियर कहा था कि भैया स्टॉक में FIIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 10% के आसपास। तो देखो, बड़ा पैसा लगा हुआ है, ठीक है, और इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, और साथ में FIIs की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, ठीक है, और प्रमोटर्स का विश्वास शुरू से है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपके पास ये स्टॉक है नालको, डेफिनेटली होल्ड करो। और ये होल्ड करने की रेटिंग मैं भी खुद दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, लेके चलता हूँ सीधा स्टॉक के करंट फाइनेंशियल की तरफ, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक को हमें होल्ड क्यों करना चाहिए और क्यों राकेश जी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई होगी और क्या प्राइस उनका निकल के आता है। मेरा अनुमान कहता है उनका जो प्राइस है 80 से 85 रुपए के आसपास है, ठीक है, इतना ही होगा, इससे ज्यादा मुझे लगता, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको फुल स्टोरी। तो यार दोस्तों, आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे स्टॉक का नाम NSE में नालको है, लेकिन जो इसका फुल फॉर्म है स्टॉक का, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। कंपनी काफी पुरानी है, 1981 में बनाई गई थी, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस स्टॉक में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है, ठीक है। प्राइस अभी 101 रुपये ट्रेड कर रहा है, 106 रुपये के आसपास का हाई है, मतलब स्टॉक अभी अपने अपने 52 सप्ताह के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी आपको 3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड दे रही है, और इसी वजह से मुझे लगता है जो आपके FIIs है, उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी होगी, साथ में आपके DIIs ने, क्योंकि देखो भाई उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए रेकरिंग इनकम जो आती है डिविडेंड से। DIIs की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गलत गलती से वो वर्ड निकल गया। और साथ में FIIs को क्या चाहिए, डिविडेंड इनकम। और भैया 3% के आसपास का डिविडेंड इनकम ये दे रहा है, और 5 रुपये के आसपास का फेस वैल्यू, तो काफी अच्छा ये डिविडेंड पे आउट देता होगा, इतना तो आपको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। नीचे लेके चलता हूँ तो आपको देखने को मिला कंपनी डेट फ्री है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट फ्री पैनी स्टॉक बोल सकते हो, बिलो 100 रुपीज, 100 रुपये के नीचे डेट फ्री स्टॉक मिलना और इतने अच्छी क्वालिटी में मिलना मेरे हिसाब से बहुत कम है। कंपनी अच्छे प्रॉफिट के साथ आ सकती है, मतलब अच्छे प्रॉफिट के साथ आ सकती है, अच्छे नतीजे पेश कर सकती है, यही चाहिए होता है किसी स्टॉक में, ठीक है। और अपनी पीयर कंपेरिजन करोगे तो लीडिंग कंपनी तो नहीं बोलोगे, लेकिन आप सेकेंड लीडिंग कंपनी इसको आप बोल सकते हो मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। जो नॉन फेरस मेटल होता है उस सेक्टर में से ये बिलोंग करती है इंडस्ट्री, जैसे आपको पता है एल्यूमिनियम है। नीचे लेके चलता हूँ, जून में कंपनी के प्रॉफिट आप देख सकते हो, 2400 करोड़ के प्रॉफिट थे, सेल्स आप बोल सकते हो। वही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 347 करोड़ का है, इससे पहले 936 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया था। तो कहने का मतलब कंपनी के प्रॉफिट औसम है, ठीक ठाक है। कंपनी के प्रॉफिट ऐसे ऐसे होते रहते हैं, कि देखो कंपनी की जो बताया मैंने, कंपनी का जो मोस्टली स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो ये जो मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टॉक्स होते हैं होल या शेयर्स होते हैं, वो थोड़े लेजी होते हैं, चलने में थोड़ा लेजी सुस्त दिखाते हैं, लेकिन जब वो चलना स्टार्ट होते हैं ना, तो शायद ऐसा भी स्टॉक होगा जो भाई 2 या 4 गुना रिटर्न तो आपको मतलब मात्र 6-7 महीने में देके चले आता है, मात्र 6-7 महीने, ठीक है, लेकिन उसको आने में टाइम लग जाता है कभी कभार, ठीक है। तो इन्होंने तो देखो FIIs ने, और आपके राकेश जी ने, और LIC ने, तो भैया लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया। लॉन्ग टर्म का मतलब समझते हैं ना, अगले 5 से 10 सालों के लिए। अगर आपका विचार यही कहता है कि 5 से 10 सालों के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड। और बोल देना चाहता हूँ, राकेश जी का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का है, कि कितना मैं आपको दिखा देता हूँ, लेटेस्ट पोर्टफोलियो अपडेट क्या है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हो, 25,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, पहले 22,000 करोड़ का था, और उसमें होल्डिंग पहले 38 या 39 हो चुकी है, तो आपके सामने है, ठीक है। कैनरा बैंक में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में भी इन्होंने बढ़ाई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देख सकते हो आपके सामने, हम अभी बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको ईयरली प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। अब ईयरली प्रॉफिट आपके सामने, कंपनी के प्रॉफिट आप देख सकते हो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। करंट ईयर में प्रॉफिट काफी औसम है, 16 से 30 करोड़ है, मतलब हाईएस्ट अर्निंग आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट इस साल कंपनी को हो सकता है करंट ईयर में। अगर बात करते हो बैलेंस शीट की, तो देखो कंपनी के जो प्रॉफिट रिजर्व है ठीक ठाक है, साथ में डेट कंपनी का नाम मात्र डेट है, छोटा सा डेट है,
बात करते हैं कैश फ्लो, तो कंपनी के पास 195 करोड़ का कैश है। वही बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देख सकते हो 51% के आसपास प्रमोटर्स का पैसा है, जिसमें मेरे ख्याल से का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होगी। ठीक है, देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राइट। अगर बात करते हैं एफआईआई, तो देखो अपनी होल्डिंग ये लगातार स्टॉक में क्यों बढ़ा रहे हैं, 15% के आसपास की होल्डिंग इन्होंने बढ़ा दी है, 15% मतलब ऑलमोस्ट 7% का जंप हमें देखने को मिलता है इनकी होल्डिंग में। और अगर 1 साल की बात करते हो तो ऑलमोस्ट 10% का जंप हमें देखने को मिलता है विद इन 1 ईयर, किसकी, एफआईआई की। भाई अगर डीआईएस की बात करता हूँ तो 10% के आसपास की होल्डिंग इनकी हमें देखने को मिलती है, उन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी है, मतलब 1 साल के अंदर नहीं करी है, शुरू से सितंबर दिसंबर 2018 के बाद से करी है। पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में मात्र 23% है, पब्लिक में बड़े बड़े फिगर्स, पब्लिक फिगर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे एलआईसी का तो नाम है ही, साथ में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का नाम भी है, आप देख सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट 3% के आसपास की होल्डिंग है। बाकी राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग देख सकते हो 1.36% के आसपास है, ये लेटेस्ट अपडेट है राकेश झुनझुनवाला जी का। ठीक है, जो ये आई थिंक इसी क्वार्टर में उन्होंने बाय की थी सितंबर 2021 में। ठीक है, तो आपके सामने है राकेश झुनझुनवाला जी की लेटेस्ट पोर्टफोलियो अपडेट, राइट। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले बोल देना चाहता हूँ, स्टॉक औसम है, 10 में से स्टॉक को 10 पॉइंट देना चाहूंगा, मेरे हिसाब से औसम है, औसम है, औसम है, डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। बात करते हैं इसका चार्ट पैटर्न, तो आपको दिखा देता हूँ स्टॉक का चार्ट पैटर्न हमें क्या कह रहा है। तो यार दोस्तों आप देख सकते हो मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है, पहले हम बात करते हैं डेली चार्ट से, तो देखो लगातार हायर हाइज के पैटर्न बना रहा है। अगर कोई इसको अगर आप ट्रेंड लाइन को जानते हो खींचना ड्रॉ करना, तो देखो ये हायर हाइज बना रहा है और ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो मतलब स्टॉक का जो आप चैनल बोल सकते हो वो अपर ट्रेंड में, ये हमें बताने का प्रयास कर रहा है ये चैनल, देख सकते हो ये लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा स्टॉक का जो ब्रेकआउट होने वाला है वो होगा 110 रुपये के ऊपर, 110 रुपये के ऊपर स्टॉक पे वो तेजी आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने आज तक इस स्टॉक में नहीं देखी होगी। तो 110 रुपये स्टॉक का काफी इंपॉर्टेंट लेवल आप बोल सकते हो, इसके ऊपर स्टॉक में बड़ी तेजी आएगी, बहुत बड़ी तेजी आएगी। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट आप देख सकते हो स्टॉक ने अभी लास्ट 2018 का, देख सकते हो 2018 का जो ईयर था इसका जो हाई है तोड़ा है, मतलब तो बोल सकते हो कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, लास्ट 3 सालों का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। तो मतलब देखो जब भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है मंथली चार्ट में वो अच्छा माना जाता है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो मैं बोलूंगा स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हो 98-97 के आसपास, मात्र 85 रुपीज के स्टॉप लॉस से, और स्टॉक आपको जो टारगेट दिखा सकता है वो 140 रुपये तक दिखा सकता है एज पर माई गणित और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको बस 85 का। बाकी अगर बात करता हूँ कि स्टॉक का मूविंग एवरेज क्या निकल के आता है, जिस तरीके से आप देख सकते हो कि स्टॉक को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कहाँ बाय आप सेल कर सकते हो, तो दिखाता हूँ मूविंग एवरेज। तो यार दोस्तों आप देख सकते हो मैंने स्टॉक में जो मूविंग एवरेज अप्लाई किया वो है 28 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, फील्ड आपका क्लोज रहेगा, आपको डन कर देना है। और आप देख सकते हो ये लगातार इसी मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो नीचे गिरता है यहाँ क्लोज करता है स्टॉक पे, अच्छा खासा बाउंस आ जाता है, नीचे गिरता है सपोर्ट लेता है क्लोज करता है ऊपर चले जाता है। देखो यहाँ सपोर्ट भी लिया स्टॉक दोबारा से इसी मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, ठीक है दोबारा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा अगर स्टॉक शॉर्ट टर्म में दोबारा से नीचे गिरता है, इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है, तो आपको सेल नहीं करना है, क्या करना है जब दोबारा से ये ऊपर क्लोज करेगा इसी मूविंग एवरेज के ऊपर, आप स्टॉक को एक्युमुलेट करके चल सकते हो वहां पर। आपको डेफिनेटली देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मूविंग एवरेज 10 में से 8 बार तो काम करता है, तो मतलब बोल सकते हो कि आपकी जो एक्यूरेसी होगी ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की स्टॉक में वो बढ़ जाएगी अगर आप इस मूविंग एवरेज की मदद कर लेते हो जो है निकल के आता है 28 का। तो डेफिनेटली 28 के इस मूविंग एवरेज को अप्लाई करना डेफिनेटली पैसा बन सकता है, नीचे गिरता है स्टॉक तो एक्युमुलेट करके चल सकते हो जैसे ही दोबारा ऊपर क्लोज करेगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है इस नालको शेयर में, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा गेन देखे जा सकता है, 110 रुपये के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट होगा जो 140 रुपये के टारगेट आपको दिखाएगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक 85 रहेगा, राकेश झुनझुनवाला LIC FII सबका फेवरेट स्टॉक है, साथ में प्रमोटर्स का भी है। तो डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।